साहिबगंज। ये तस्वीर देखिए, नेताओं के वादों दावों और इरादों की हकीकत को चीख चीख कर बयान कर रही है। जी हां, खाट के भरोसे टिकी है झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था। हेमंत के बड़े दावे और गरीबों की गरीबी की जीती जागती तस्वीर है। स्वास्थ्य मंत्री के लिए ही नहीं बल्कि झारखंडी शासन के लिए भी शर्मिंदगी का पल है। जी हां, ये तस्वीर उस आम आदमी की लाचारी और बेबसी की है जिसके विकास की योजनाओं के नाम पर सालों साल से करोड़ों रुपए फूंक देने का रिवाज चलता रहा है। ये कोई आदमयुग की तस्वीर नहीं, आज के विकास की वानगी है। झारखंड के साहिबगंज के सुदूर छोटा बेतोना के पहाड़ी इलाके में पेड़ से लकड़ी तोड़ने के दौरान लालू मरांडी नामक शख्स पेड़ से गिर गया। उसे काफी चोट आई। फिर गांव के लोग उसे खटिया पर लेटा, बांस में खटिया बांध, कंधे पर 5 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल लेकर आए। उनका कहना है, आज तक गांव में एक अदद सड़क नहीं जाती, बीमार होने पर अस्पताल ले जाने की यही जुगत है। इन एम्बुलेंस या सरकारी सुविधाओं की जानकारी भी नहीं। ये सब तब जब सूबे के मुख्यमंत्री खतियानी जोहर यात्रा में सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, साहिबगंज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामसर है। कौन घायल है? लालू मरांडी। कौन है आपके? जैसा लगता है। क्या हुआ है इसके साथ? मतलब गाय चराने के लिए गया था पार में, तो मतलब पेड़ से गिर गया है जमीन। अच्छा, पेड़ से गिर गया। कहाँ से, कौन सा पहाड़ पे गया था? बेतौना। बेतौना, वहाँ से यहाँ कैसे लाए इसको? खटिया में बांध के रस्सी उसी और कंधा से लाए। एम्बुलेंस को फोन किया था आप? फोन नहीं किए हैं, जानकारी नहीं। जानकारी नहीं था? और इतना रोड का भी सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस जा सकते हैं वहाँ पे। तो इसको गाड़ी पर भी तो ला सकते थे आप? गाड़ी मतलब इतना जानकारी नहीं, तो इसीलिए फोन नहीं कर पाए। एम्बुलेंस को और कैसे लाएंगे? कितना किलोमीटर चलकर आए? से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलकर आए। 5 किलोमीटर कंधे पर उठा के लेके आए इसको, हम लोग मरीज को। हाँ, मरीज को। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।